जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। तो अपनी रीजनिंग चालन लाग रही है, रीजनिंग माज आप अगलो टॉपिक लेके आए हाँ, सादृश्यता या फिर समानता। यानी कि देखो टॉपिक का नाम से पता चल रहा है समानता, यानी कि कोई ना कोई चीज अपन समान मिलेगी क्या, बहुत ईजी है। आज आप जो अपने पीछे एग्जाम में सवाल पूछा गया है उन सवाल ने हल करने की कोशिश करांगा। यानी अगर अपने पास में थोड़ा बहुत भी सामान्य ज्ञान है तो आप ए टॉपिक ने आराम से हल कर सका। देखांगा सर कतरा हल करा, पीछे के सवाल ने भी हल करांगा। जी हाँ, आप छोटी कक्षा में पढ़े होगो, जे आप छठी सातवीं क्लास में हा, आप पढ़ता अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात। जी हाँ, बी का दो अनुपात तीन समानुपात चार अनुपात पांच, जे प्रकार दो तीन समान है वही प्रकार चार पांच कतरा समान होगा का अनुपात समानुपात पढ़ता। यानी वही प्रकार देखो टॉपिक को नाम देखो सादृश्यता, यानी कि एकदम समान दिखना चाहिए, समानता यानी कि समानता होनी चाहिए। सर समझ में नहीं आया, आप सवाल ने हल करांगा फिर आपने समझ में आ जाओगे। देखो पहला सवाल की ओर लेके चालू बताने, पहला सवाल देखो, दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह निकट रूप से संबंधित है। यानी उस युग्म का चयन करना है जो यानी कि प्रथम युग्म से एकदम समान रूप से मिलता है। देखो कैंची कपड़ा, जिस प्रकार कैंची कपड़े से संबंधित है उसी प्रकार आगे के दो ऑप्शन संबंधित होने चाहिए। कपड़े को काटने के लिए किसका काम मिल लेते हैं, कैंची काम मिल लेते हैं। अब आपने ऐ जो सवाल है ऑप्शन के हिसाब से ही होगा। देखो कोयले को काटने के लिए भट्टी काम में लेते हैं क्या, नहीं सर। चट्टान को काटने के लिए पत्थर काम में लेते हैं क्या, अरे चट्टान और पत्थर तो एक ही बात है। कलम को काटने के लिए कागज काम में लेते हैं क्या, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आप कागज को कलम से काट दो, नहीं हुआ ना। बाड़ों को काटने के लिए उस्तरा काम में लेते हैं क्या, हाँ सर। यानी बाड़ किससे काटते हैं, उस्तरा। यानी आजकल तो क्या है कि भाई लेटेस्ट डिजाइन आ गई कटिंग की, बाकी जिद में यानी कि छोटा था तो भाई ना ही सा बाल काट दो, उस्तरो यानी कि उस्तरो मार दे। तो या हमारी भाषा में कहता है मतलब बत्रकला मार दिया क्या, और पहले यानी का बाल कटाता ही कुनी है, या नाई के पास में जानता तो मतलब घर का एकदम जबरदस्ती पकड़ के बिठा देता और ऊपर ले लेता चप्पल के, यानी का बाल कटाना है क्या, और मैं बैठा रहता बड़ो डर लागत हो यार के मतलब के, फिर वो नाई भी सही बाल काट तो मतलब कैंसी लेगी इतना भाई उस्तरा होता। आजकल उस्तरा कटे देखने नहीं मिले, यानी बाल काटने के लिए उस्तरा काम में ले जाते और बीच में बत्रकला भी मार देता। फिर यानी मैं तो छोटा छोटा था ही, फिर यानी मजाक उड़ानता, अरे कौन सा नाई के बाल कटा के आयो क्या, बत्रकला मार रखे हैं टांट में, बत्रकला मारना यानी कि इधर से काट दिए, इधर से काट दिए, बीच में यानी कि कम काट दिया कड़ ज्यादा काट दिया, ठीक है। तो यानी कि बाल काटने के लिए उस तरह का काम में लिया जाता है। जय प्रकार कपड़े को काटने के लिए कैंची काम में आती है, उसी प्रकार बाल को काटने के लिए उस तरह काम में आता है। सवाल समझ में आ गया, ये अपने सवाल पूछा गया है पटवारी एग्जाम 2021 के अंदर, हाल ही के अंदर जो पटवारी भर्ती हुई थी 24/10/2021 को जो अपने पेपर हुआ था वह पटवारी के अंदर यो सवाल आयो है। अगला सवाल का निचाला देखो भाई, दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह निकट रूप से संबंधित है। भाषा यही मिलेगी, कोई अलग कौन मिला, यानी कि सीधी सी बात यह कहना चाहो जो पहली में दो युग्म दे रखा है पर दो युग्म जै प्रकार समान है पत्र ही अगला दोनों युग्म समान होना चाहिए, ठीक है। देखो भाई क्या नाइट्रोजन क्या है, गैस है, यानी कि नाइट्रोजन सीधी सी बात है नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सारी की सारी गैस है। तो यानी गैसीय अवस्था में पाई जाए नाइट्रोजन, बता रहे देखो पंख देना, पंख देना तो एक ही चीज होगी, मरकरी तरल, हाँ मरकरी जो अपने वो हमेशा तरल अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था कह दो या फिर तरल अवस्था कह दो, तरल अवस्था कह दो या फिर द्रव अवस्था में मरकरी पाई जाती है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, किसके अंदर ये भी पटवारी एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है भाई। यानी एकदम समानता देखनी है, अगर अपन थोड़ा सो भी सामान्य ज्ञान को नॉलेज है तो आप इस सवाल आराम से हल कर सका। आगे देखो वही बस वही भाषा उस युग्म का चयन करें जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही समान रूप से संबंधित है। संपादक पत्रिका, यानी कि जिस प्रकार से कोई अखबार हो गया कोई पत्रिका हो गया उसको कोई ना कोई तो संपादित करता है, यानी कि पत्रिका को कोई ना कोई संपादित करेगा वो संपादक है। उसी प्रकार से फिल्म को कोई ना कोई तो निर्देशित करेगा वो निर्देशक है। तो सीधा पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है पत्रिका का कोई ना कोई संपादक होता है। जैसे भाई क्या अगर जैसे राजस्थान पत्रिका है तो उसका संपादक का नाम होता है गुलाब सिंह कोठारी, उसी प्रकार से फिल्म का भी कोई ना कोई निर्देशक होता है। जैसे अपने सिंघम 2 फिल्म आई, सिंघम फिल्म आई,
उसका अपने निर्देशक है रोहित सेठी, अपने नाम पे ही है रोहित सेठी, यानी के तो कोई ना कोई फिल्म का निर्देशक होता ही होता है, ठीक है। कुर्सी मेज ये तो दोनों एक ही बात होगी, लकड़ी की बनी है। कविता कहानी एक ही बात है, कविता थोड़ी सी अलग है, कविता गाय की सुना दो अगर कहना हो तो कमेंट कमाइने, और कहानी अलग चीज है, उपन्यास और ग्रंथ दोनों ही अलग अलग है। यानी जो एकदम समान रूप से मिलता है, यानी कि फिल्म और निर्देशक मिलते हैं, उसी प्रकार से पत्रिका और संपादक मिलते हैं। आगे लो भाई नेक्स्ट सवाल, फिरो पटवारी एग्जाम 2021 में पूछे गए सवाल है, भाषा वही है, दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही समान रूप से संबंधित है। अथोड़ा कील, यानी कि जय प्रकार कील ने ठोकन खातर के काम आवे, यानी कि कील को ठोकने के लिए अथोड़ा काम में आता है, तो वही प्रकार फटाफट ऑप्शन के हिसाब से बताओ क्या उत्तर आना चाहिएगा। यानी कि बाइक को ठोकने के लिए स्कूटर काम में आता है, ऐसा कभी आपने सुना है कि बाइक ने ठोकर खाते स्कूटर लेके आओ क्या? सर नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। बढ़ई को ठोकने के लिए भवन काम में आता है, बढ़ई अलग चीज है, ठीक है, भवन अलग चीज है, इनका भी दोनों बिल्कुल गलत है। पेन को ठोकने के लिए पेंसिल काम में आती है, नहीं सर। लकड़ी को काटने के लिए आरी काम में आती है, हाँ सर, लकड़ी को काटने के लिए जिस प्रकार से आरी काम में आते हैं, लकड़ी ने ठोकनी है तो आरी लेके आ जाओ क्या, ठीक है। कील को अगर अपने ठोकना है तो हथौड़ा काम में लेके आ जाओ, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट फोन आ रहे, 2 मिनट रुको, फोन ना मैं साइलेंट कर दिया, 1 मिनट। आगे लो भी अपने नेक्स्ट सवाल, दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह निकटतम संबंधित है। सीधी सी बात है, यानी कि वही भाषा सेम ही है, कड़ा पूछे गए हैं, पटवारी एग्जाम के अंदर ज्यादा सवाल पूछे गए हैं भाई, ठीक है। हालांकि हर एग्जाम में पूछे गए, मैं बताऊंगा, ठीक है। 23/10/2021 को यह सवाल पूछा गया, क्या पूछा गया है, जिस प्रकार कागज के ऊपर क्या चलती है, कलम चलती है, कागज के ऊपर कलम चलती है, उसी प्रकार से देखो प्रचार्य के ऊपर शिक्षक चलता है क्या, नहीं चलता सर। पोंकने के ऊपर कुत्ता चलता है क्या, नहीं चलता सर। आगे देखो, मांस के ऊपर चक्कू चलता है क्या, हाँ सर, अगर मांस को अगर आपको काटना है तो आपको चक्कू लेके आना पड़ेगा, तो यानी अपना आंसर क्या सही हो जाएगा, अपना आंसर 3 नंबर सही हो जाएगा, अगर आपको मांस काटना है तो आपको चक्कू लेके आना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो अपना आंसर, जिस प्रकार कागज के ऊपर कलम चलती है उसी प्रकार मांस के ऊपर चक्कू चलता है, आंसर नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे लो 7 नंबर सवाल, जिस प्रकार 8/28 से संबंधित है उसी प्रकार 27 किससे संबंधित है, बताओ भाई फटाफट कमेंट करके। सवाल आया हेडमास्टर परीक्षा स्कूल संस्कृत एजुकेशन 2020 के अंदर ये सवाल पूछा गया, हेडमास्टर परीक्षा को सवाल है, फटाफट बताओ क्या आने को उत्तराण चाहिए। देखो यानी 8/28 से संबंधित है उसी प्रकार 27 से आगे कौन सी संख्या आएगी, इसी प्रकार 27 किससे संबंधित होगा, बताओ भाई, वही अनुपात समानुपात वाली बात होगी, 8/28 अगर सेम है तो 27 के आगे कौन सी संख्या होगी, 8 किसका क्यूब है भी बताओ, थोड़ा बहुत ट्रिक लग रहे हो, 8 किसका क्यूब है, 8 सर 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो 3 का क्यूब कितना हुआ सर, 3 का क्यूब तो 27 ही हुआ, 27 के अंदर 1 जोड़ो कितने 28, ठीक है सर। यानी कि मैं जीत अपने सीरीज कराई थी, मतलब वही वीडियो में भी कहे थो, यानी कि सुकेर, यानी कि 1 से लेकर 20 तक तो सुकेर अपन याद होनी चाहिए, और 1 से लेकर 10 तक अपन क्यूब याद होनी चाहिए, यानी कि अगर आप क्यूब याद करोगे तभी आप सवाल को पकड़ पाओगे, कम से कम 1 से लेकर 10 तक तो अपन क्यूब याद होनी होनी चाहिए क्या, ताकि आप सवाल ने आसानी को पकड़ दिया। 8, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27 प्लस 1 28, इसी प्रकार से देखो ये किसकी क्यूब है अभी, ये है सर 3 की क्यूब, ठीक है, आगे 2, 3 था, ये आगे 3 की क्यूब, आगे कौन सी संख्या 4 की क्यूब, 4 की क्यूब करनी है प्लस 1 करना है, मेथड यही अपनाना है, 2 था या 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 होगा, क्यूब करो प्लस 1 जोड़ो, 4 की क्यूब करो कितने आए 64, 4 की क्यूब 64 होती है, 64 के अंदर 1 जोड़ दो भाई कितने आ गए अपने आंसर 65 आ गए, आंसर देखो 65 कहाँ पे है, ये लो 4 नंबर, कोई हड़का फुड़का सवाल थोड़ी है, हेडमास्टर का सवाल है भाई, कोई नॉर्मली सवाल थोड़ी है ये, ठीक है। और तरीका है, देखो भाई ये सवाल कितनी बार रिपीट हुए हैं, पीटीटी के अंदर रिपीट हुए हैं, एसटीसी के अंदर रिपीट हुए हैं,
बीए बीएससी बीएड के अंदर रिपीट होया, यो सवाल करना तो बहुत जरूरी है भाई। ये कहने लग रहे हो देखो ई जी यानी जै प्रकार ई जी आई के कैसे संबंधित है एफ आई एल ओ, उसी प्रकार एफ एच जे एल ये कैसे संबंधित होगा। अगर अपन एबीसीडी याद है, एबीसीडी की संख्या याद है, तो देखो ये सवाल तीन तीन एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुके हैं, तो आप ऐसे सवाल ना आराम से हल कर सका। और कोई जरूरी को नहीं अगली भर्ती के अंदर भी वो सवाल रिपीट हो सके। देखो कतरा हल कराऊंगा, ई कितने नंबर पर आओ भी फटाफट बताओ कमेंट करके। ई सर पांच पे आता है, एच सॉरी सॉरी जी एक मिनट, ई पांच पे आता है, जी सेवन सम्मेलन सात पे आता है, आई नौ पे, के ग्यारह पे, एफ छह, आई नौ, एल बारह, ओ पंद्रह पे आता है। ठीक है, अब देखो पांच के नजदीक क्या है सर, छह है, कितना जोड़ा प्लस एक जोड़ा। सात के अंदर आगे क्या है नौ है, कितना जोड़ा प्लस दो जोड़ा। नौ के आगे क्या है बारह, कितना जोड़ा प्लस तीन जोड़ा। और ग्यारह के आगे क्या है पंद्रह, कितना जोड़ा प्लस चार जोड़ा। उसी प्रकार से प्लस एक जोड़ दो, प्लस दो जोड़ दो, प्लस तीन जोड़ दो, प्लस चार जोड़ दो। ठीक है, एफ छह नंबर पे, एच आठ पे, जे दस पे, एल बारह पे, जोड़ो भाई फटाफट। छह के अंदर एक जोड़ा सात, सात पे क्या आता है जी सेवन सम्मेलन, एच आठ नंबर पे, आठ में दो जोड़ा दस, दस पे यानी क्या जे। सारी की सारी एबीसीडी याद करा रखी है, रीजनिंग की पहली वाली वीडियो देख लियो जाके। ठीक है, जे कितने पे दस, तीन जोड़ने हैं, तीन पे कितने एम, तेरह नंबर पे एम, बारह पे एल, चार जोड़ दो सोलह पे पप्पू, जी जे एम पी, जी जे एम पी। ठीक है, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा चार नंबर। इतने सवाल के अंदर सवाल सादृश्यता समानता से इतनी बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, आगे चलो। जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शक गण से है, उसी प्रकार चर्च का संबंध किससे है, पीटीटी एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया सवाल है कि जिस प्रकार सिनेमा के अंदर दर्शक गण होते हैं, कभी कभी तो फिल्मा देखने न जाओ। ठीक है, तो फिल्मा भाई का सीधी सी बात है, यानी कि जब नए नए जोड़ो बना तो वह तो बहुत ही ज्यादा मतलब फिल्मा देखने न जावे, तो वह क्या सारा का सारा दर्शक गण है ना, तो यानी कि सिनेमा के अंदर दर्शक गण होगा। वही प्रकार जो चर्च में लोगों में बढ़ने के कमा, ये अपन थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि चर्च में लोगों को क्या कहते हैं, सिनेमा के अंदर जो लोग होते हैं उनको कहते हैं अपना दर्शक गण। उसी प्रकार से जो चर्च में लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, एकाग्रता, नहीं सर। प्रार्थना, लोगों को प्रार्थना थोड़ी कहते हैं, नहीं सर। समागम, बिल्कुल अगर ऑप्शन के हिसाब से करूं एकाग्रता, यार लोगों को एकाग्रता थोड़ी कहता है, लोगों को कोई प्रार्थना थोड़ी कहता है। लोगों ने कभी कहे कि लोग तो ध्यान है क्या, लोगों को कोई ध्यान नहीं कहता। समागम यानी कि चर्च के अंदर जो लोग उपस्थित होते हैं उनको कहते हैं चर्च समागम। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा समागम, आंसर नंबर दो सी हो जाएगा, पीटीटी 2021 में सवाल पूछा गया है। आगे चलो भाई, नीचे दिए गए प्रश्न में चिन्ह है कि बाईं तरफ दोनों पदों के मध्य तर्क को पहचानिए, वही तर्क चिन्ह है कि दाईं तरफ वाले दोनों पदों पर लागू करके प्रश्न के लिए सही विकल्प ज्ञात कीजिए। ये लो भाई एसटीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये तुम फटाफट कमेंट करके बता दो मेरे को सवाल, वही बी ई जी के ए टी एफ जे। ठीक है, यानी कि ऊपर संख्या लिखो भी, कौन कौन सी संख्या आ रही है। देखो बी कितने नंबर पे आता है, दो नंबर पे, ई पांच पे, जी सेवन पे, के ग्यारह पे, ए एक नंबर पे, डी चार, एफ छह, जे दस नंबर पे आता है। यानी सीधी सी देखो, दो में से एक आया है, यानी किसने कितना किया है, इसने माइनस एक किया है। पांच में से घटाया चार, सात में से घटाया छह, और ग्यारह में से घटाया दस, यानी कि सीधी बात है माइनस एक करने लग रही है। यो अपने एसटीसी के अंदर पूछे गए सवाल है, तो फटाफट से संख्या में लिख दूं, कमेंट करके उत्तर बता दियो भाई, ये उत्तर आऊंगा। पी 16 पर आवे, एस 19 पर आवे, बी 22 पर आवे, और वाई यानी के 25 पर आवे। माइनस एक करना है सबको, करो भाई फटाफट उत्तर बताओ कमेंट करके। 16
16 में से एक गया 15, 15 पे क्या आता है भाई सर, ओ आता है, ओ देखो कहां पे आ रहा है सर, पहले दूसरे ऑप्शन में आ रहे हैं, ठीक है। 9 में से एक गया 8, 8 पे क्या आता है एच आता है सर, देखो एच कहां पे आ रहा है, एच तो कहीं नहीं आ रहा, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी 19 नंबर है, 19 में से गया 18, 18 पे क्या आता है आर आता है भाई, देखो भाई आर दोनों में अभी भी यानी कि आर आर आ रहा है, ठीक है सर। वी कितने पे 22 पे, 22 में से घटाया 21, 21 पे क्या आता है सर यू आता है, देखो भाई यू एक नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 25 पे वाई, वाई में से घटाओगे 24, 24 पे आता है एक्स, यानी अपना उत्तर एक नंबर सही हो जाएगा। जिन्होंने भी उत्तर दिया बहुत ही शानदार, ठीक है आगे चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान जेल वार्डन 2018 में पूछा गया सवाल है, एसटीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल है, सवाल की कहने लग रही है जय प्रकार एक किलोग्राम एक क्विंटल से संबंधित है, यानी कि जय प्रकार एक किलोग्राम बराबर एक क्विंटल, ठीक है, तो उसी प्रकार एक पैसा किससे संबंधित होगा, एक पैसा आगे क्या आएगा, अरे भाई इतनी बात बताओ ते, यानी कि एक क्विंटल कद बनेगा, यानी एक क्विंटल तब बनता है जब यानी कि 100 किलो हो जाते हैं, 100 किलो बराबर क्या होता है एक क्विंटल होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप एक पैसा का कितनों करा 100 पैसा, तो 100 पैसे मिलकर क्या बनाएंगे बताओ, 100 पैसे मिलकर क्या बनाएंगे एक रुपया, 100 पैसा मिलेगा जी 10 रुपया, ना ना 10 पैसा, ना ना 1 रुपया, यानी कि 100 पैसा जिद मिल जाऊंगा जिद 1 रुपया बनावांगा। आजकल तो तारा पैसा देखेगा कोनी 1 पैसो 2 पैसो, ठीक है, मैं जिद यानी कि छोटा था ना उस टाइम में पैसा चलता 25 पैसा 50 पैसा, तो उस टाइम में क्या 25 पैसे की जहां संतराली गोली चार आती क्या, और 1 रुपये की तो शायद बिरोनी 16 गोली देता, संतरे की गोली खाई है उस टाइम में 25 पैसा चलती, आजकल तो पता नहीं कहे जिद भारत सरकार कहे को 25 पैसा 50 पैसा बंद लग रहे हैं, तो टाइम में क्या कई लोग मतलब 25 पैसा 50 पैसा बचा के रखा के बिरो का यानी दोबारा चालू करने का, हकीकत में हमारे पड़ोस के अंदर भी है ना, यानी पैसा बचा के रखा के बिरो का दोबारा से नियम आ जावा कि 25 पैसा 50 पैसा दोबारा से चालू होना है क्या, तो वह खतर अब तो तारा देखेड़ा को नहीं, अब कौन जाने 25 पैसा 50 पैसा, बाकी 50 पैसा के अंदर में तो संतरा टोफी खानता क्या, तो कठे यानी उन टाइम देखने नहीं कौन मिलता, आजकल तो 1 रुपये दे दो टाबर ने बात ही कौन करे, आजकल तो पॉकेट मनी भी दिन की 100 रुपये चाहिए क्या, ठीक है, मानो टाइम 25 पैसा मिल जाता तो ही यानी का बहुत बड़ी बात ही है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा एक नंबर अपना उत्तर सही हो जाएगा। हाँ दिए गए विकल्पों में से निम्न में से संबंध प्रकट करने वाले शब्द का चयन कीजिए, दीर्घ लघु, अरे ये तो विलोम शब्द है जी हाँ, दीर्घ यानी का बहुत बड़ा और लघु यानी का छोटा, दीर्घ का विलोम शब्द है लघु, उसी प्रकार से विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा, विस्तृत यानी का एकदम विस्तार से फैला हुआ, तो विस्तृत का बड़ा, अरे विस्तार से फैला हुआ ये तो हुआ ही नहीं, ये तो इसका मतलब समान ही हो गया, संकीर्ण, हाँ विस्तृत का मतलब होता है यानी कि एकदम फैला हुआ, और संकीर्ण का मतलब होता है बहुत ही छोटा क्या, जैसे कह देते हैं ना कभी क्या तेरी बुद्धि तो एकदम संकीर्ण है क्या, यानी एकदम छोटी सी बुद्धि है क्या संकीर्ण, तो अपना उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, किसने पूछा गया है एसटीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल है भाई, ओके आगे लो। निम्न में से अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए, दो दे रखे हैं, तीसरा दे रखा है, चौथे को अपने ज्ञात करना है, तरीका वही रहेगा बीएसटीसी डीएल एग्जाम यानी कि 2020 में सवाल पूछे गए हैं, ये तरीको रहेगा भाई, पता नहीं अपना संख्या लिखो नहीं लिखा तो मैं अगर दिखने नहीं लग रही है तो मैं सवाल ने पढ़ के बता दूंगा, वाई है डब्ल्यू है जेड है एक्स है, क्या दे रखा है यू है एस है वी है और टी है, इधर क्या है एम के एन एल, फटाफट उत्तर करके बता दियो, अभी देखो मैं संख्या लिख दूं 2 मिनट में, वाई कितने पे 25 पे, डब्ल्यू 23 पे, जेड 26 पे, एक्स 24 पे, 25 से यू कितने पे आता है यू 21 पे आ गया, एस 19 पे, सबसे पहले तो संख्या लिख लिया करो, वाई 22 पर, टी 20 पर, बताओ भी क्या यानी कि ट्रिक लागी होगी, 25 से 21 कितना घटा रखे हैं सर -4 कर रखे हैं, -4 कर रखे हैं, 23 में से 19 घटाए कितने -4 कर रखे हैं सर, 26 में से 22 घटाए सर -4 कर रखे हैं, और 24 में से 20 घटाए यानी -4, सीधी सी बात है -4 करने लग रहे हैं, एम 13 पे, के 11, एन 14, एल 12, -4 कर दो भाई अपना उत्तर आ जाएगा, 13 में से 4 घटाओ 9 पे क्या आता है सर आई आता है, देखो किस किस ऑप्शन में आई आ रहा है, अरे सर सभी ऑप्शन में आई आ रहा है, आगे चलो तो
ग्यारह में से चार घटाओ, सात सात भी क्या आता है, जी आता है। देखो आई जी किस में आ रहा है, आई जी सर सभी ऑप्शन में आई जी आ रहा है। आगे चलो चौदह नंबर पे एन, एन में से चार घटाओ दस, दस पे जे और एल यानी बारह, बारह में से चार घटाए आठ, आठ पे एच, आई जी जे एच, लास्ट में जे एच किसके आ रहा है, जे एच तो इसी के आ रहा है। अपना आंसर दो नंबर, लास्ट में जे एच किसी के नहीं आ रहा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर दो नंबर हो जाएगा। ठीक है, आराम से कर लेगा, इजी टॉपिक है, कोई हार्ड को नहीं, आप एग्जाम में आए सवाल हल करने लग रहा। आगे लो भाई, चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात, ये तो मतलब विलोम हो गया कि चक्रवात का प्रति चक्रवात, यानी अगर चक्रवात आ रहा है तो क्या है प्रति चक्रवात, नहीं आ रहा चक्रवात। उसी प्रकार बाढ़, बाढ़ का विलोम बताओ, यानी कि बाढ़ आ गई, अरे भाई बाढ़ आ गई क्या सूखो पड़ी हो, यानी कि विलोम शब्द चाहिए, सूखा सूखा क्या होगा बाढ़ होगा, और चक्रवात का प्रति चक्रवात। ठीक है, एकदम सूखो पड़ी हो, कभी बाढ़ आ गई, कभी चक्रवात आ गया, कभी प्रति चक्रवात, उसका विपरीत हो गया, ठीक है विलोम हो गया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा चार नंबर। अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप टॉपिक ना आराम से हल कर सका। हाँ आगे चलो, उपसमादेष्टा, ठीक है 2020 के अंदर पूछा गया सवाल है, ये प्रश्न आयो, अच्छा दिए गए रिक्त स्थान का आने वाला अक्षर समूह क्या होगा, लियो भाई अभी बता देंगे, टी वी एक्स जेड एम यू यू वाई, ठीक है संख्या लिखो फटाफट, टी 20 पे आता है, वी ये वी है क्या, हाँ वी 22 पे आता है, एक्स 24 पे, जेड 26 पे, एम 13 पे, क्यू 17 पे, यू 21 पे, वाई 25 पे, बताओ भाई 20 13 कितने का अंतर हुआ, सर सात का अंतर हुआ, ठीक है 22 और 17 कितने का अंतर हुआ, सर पांच का अंतर हुआ, 24 में से 21 गए कितने का अंतर हुआ, सर तीन का अंतर हुआ, और 26 में से 25 गए माइनस एक का अंतर हुआ, 26 में से एक हटाते तभी 25 आते हैं, एक तीन पांच सात ये अंतर आ रहा है, तो यानी कि सवाल तय करके बताइयो, मैं यानी थोड़ा सा लिख के बता देता हूं, क्यू आएगा अपने 17 पे, एस आएगा 19 पे, यू आएगा 21 पे, एम आएगा 13 पे। सबसे पहले तो एक घटाना है, 13 में से एक घटा दो क्या बचेगा 12, 12 पे क्या आएगा एल, देखो लास्ट ऑप्शन किसी का एल आ रहा है क्या, अरे सर आ रहा है, किसका आ रहा है, सिर्फ एक का ही आ रहा है, दो नंबर बस, अपना आंसर हो गया, इतना छोटा सवाल है इसी प्रकार से हल करना है, ठीक है यानी कि समय की भी बचत, सारे सवाल अपने को देखने जरूरत नहीं पड़ी, तो यह प्रकार कभी कभी ऑप्शन के हिसाब में अपना उत्तर सही कर लिया करो, ठीक है बाकी सारे करके देख लेना, सारे ऊपर छोड़ोगे सवाल आराम से हल कर लेगा। आगे लो भाई, अच्छा टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा के अंदर पूछा गया सवाल है, व्रत का संबंध परिधि से है, व्रत जिस प्रकार से व्रत का संबंध किससे है परिधि से, व्रत की परिधि कितनी होती है भाई 2πr, ठीक है उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है, वर्ग वर्ग ये होता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का परिमाप होता है, क्या होता है वर्ग का परिमाप, सर वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, मान ले जैसे अगर आपको कह दे एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, परिमाप यानी कि चारों भुजाओं का योग, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी अपने आप 10 सेंटीमीटर होगी, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग, तो अपने योग करके देख लो 10 20 30 40 अपना आंसर 40 आएगा, यानी वर्ग का परिमाप क्या होगा, परिमाप अगर कभी पूछ ले वर्ग की चारों भुजाओं का योग क्या होता है उसका परिमाप होता है, ठीक है तो मतलब जिस प्रकार वर्ग की परिधि होती है उसी प्रकार वर्ग का क्या होता है परिमाप होता है। ये लो भाई दो बार पूछा गया है, पीटीटी के अंदर भी पूछा गया भाई, देख लेना 2020 में दोबारा से, एसटीसी में भी सवाल रिपीट हो सकता है ये। आगे चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल का संबंध ऊर्जा से है, यानी कि जूल का एसआई मात्रक है क्या है ऊर्जा, उसी प्रकार पास्कल किसका है, पास्कल दाब का है भाई साहब, दाब का एसआई मात्रक क्या है पास्कल, ठीक है बस सीधे से अपना थोड़ी सी अगर नॉलेज है तो अपने इस सवाल को आराम से हल कर सकते हैं, अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो, पीटीटी 2020 में पूछा गया सवाल है।
तो दाब का ऐसे मात्रक होता है पास्कल। आगे लियो भाई, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म में आपस में वही संबंधित प्रश्न में दिए गए शब्द युग्म के बीच है। पेन से क्या होगा, लिखना होगा। पेन से क्या करते हैं अपन, सर पेन से तो लिखते हैं। इसी प्रकार से देखो दो ऑप्शन में क्या संबंध हो सकता है, सर हथियार और बंदूक है, ये तो एक ही बात हो गई। बंदूक क्या है, हथियार है, ठीक है। ऐसा थोड़ी बंदूक से हथियार लिखते हैं, नहीं हुए ना, नहीं सर क्या इनका कोई संबंध नहीं है। दो नंबर ऑप्शन देखो, खाना, अरे सर बिल्कुल है, खाना किससे खाया जाता है, चम्मच से खाया जाता है। हालांकि बड़ा बड़ा लोग खाओ है खानो चम्मचों, लेकिन आप तो कहेगा अपने सीधे हाथों खानो खा लिया तो वो एक अलग बात है, बाकी इतना अपन कौन देख लो। लेकिन अगर इसका संबंध देखें तो किससे होगा, खाना यानी का चम्मच से खाया जाता है। विद्यालय का संबंध शिक्षक से, अरे नहीं सर, ठीक है विद्यालय शिक्षक, पेन लिखना ये तो संबंध बैठा ही नहीं, रबड़ पेंसिल ये संबंध भी नहीं बैठा। जिस प्रकार से यानी कि पेन से अपन लिखते हैं उसी प्रकार से चम्मच से खाना खाते हैं। अपना आंसर दो नंबर सी हो जाएगा। राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में पूछा गया सवाल है, 2020 में पूछा था राजस्थान पुलिस में। ओके भाई, ये लो भाई, बादाम काजू अखरोट ये क्या है, ड्राई फ्रूट है। बादाम है, काजू है, अखरोट है, ये है ड्राई फ्रूट, ठीक है, यानी कि सूखे फल। उसी प्रकार से ये मैंने चित्र लिया है, हो सकता है कभी मेरी तरह आपने कईयों ने खाया नहीं होगा ये ड्राई फ्रूट के, बादाम भी खा रहे हैं, काजू भी खा रहे हैं, अखरोट भी खा रहे हैं, लेकिन ये ड्राई फ्रूट नहीं खाया है। उसी प्रकार से ये फटाफट कमेंट करके बताओ ये कौन सा ड्राई फ्रूट है, ठीक है। केड़ा है सर, नहीं है। सेब है सर, नहीं है। तरबूज है सर, नहीं है। ये क्या है, खुबानी, इसको कहते हैं खुबानी फ्रूट, यानी कि खुबानी ड्राई फ्रूट, ठीक है। बाकी ये केला, सेब, तरबूज ये तो सारे के सारे फल हो गए, अपने को क्या चाहिए, ड्राई फ्रूट यानी कि सूखे फल चाहिए अपने को, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा खुबानी, ठीक है, अपना आंसर तीन नंबर से हो जाएगा। राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया सवाल है, ये लो भाई क्या, हिरण गाय जिराफ, हिरण गाय जिराफ, उसी प्रकार से देखो सारक है, सिंह है, लकड़बग्घा है, घोड़ा है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऐसे सवालों में क्या है, शाकाहारी और मांसाहारी पूछे जाते हैं, कभी शाकाहारी कुछ यानी कि जानवर शाकाहारी दे दे, कुछ यानी कि मांसाहारी दे दे। अपने राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया सवाल है, हिरण क्या है, शाकाहारी है, गाय क्या है, शाकाहारी, जिराफ क्या है, शाकाहारी जिराफ जाने क्या, वो लंबी गर्दन वालों हमेशा यानी कि वो चीज जो अपने टहनिया खावा है वही जिराफ। तो उसी प्रकार से बताओ इनमें कौन शाकाहारी होगा, घोड़ा, घोड़े को कभी मांस खाते हुए देखा है, तो अपना आंसर चार नंबर सी हो जाएगा। बाकी लगड़बग्घा, शेर, सारक सारे के सारे क्या है, मांसाहारी है, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न है, राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में पूछा गया सवाल है, क्या है, कोई बस सेम अधिक समानता रखता हो, जैसे कमल, अरे भाई कमल का तो फूल होता है, गुलाब का भी फूल होता है, लिली का भी फूल होता है, उसी प्रकार से बताओ गेंदे का भी फूल होता है, आंसर नंबर दो सी हो जाएगा। बाकी फूल, सेब, लाल, ये तो अलग अलग चीजें, यानी ये तीनों के तीनों फूल दे रखे हैं। उसी प्रकार से गेंदे, गेंदे का भी क्या होता है, फूल होता है। अपना आंसर दो नंबर सी हो जाएगा। ओके फिर, ठीक है, सादृश्यता समानता टॉपिक लगभग पूरा हो गया। बाकी आप जितना भी अगर सवाल हल करो तो साथ साथ में करना, अगर और भी पढ़ाने हैं तो कमेंट करके बताना सर का और भी वीडियो लेके आओ क्या, पीछे जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हमें हल कराओ क्या, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।